पूजा आज अपनी पसंद की मिठाई देखकर मुझसे लिपट जाएगी और ये गजरा देखकर तो दोनों बाहें फैलाकर मुझ में सिमट जाएगी। तेरा मतलब है आज मौसम बेईमान है? सही पहचाना, भाई ने भाई को जाना। आने वाला कोई तूफान है? अबे तूफान तो आज कमरे में आएगा, तू देखता रह। आऊ। आज तो एकदम मजा आ जाएगा, गजरा भी ले रहा हूँ मैं तो। अरे वाह, मेरी 56 छुरी इंतजार में बाहर ही खड़ी है। हैं? सुबह तो गुलाब का पौधा छोड़ के गया था, ये बरगद का पेड़ कैसे हो गया? सासुमा आप? क्यों बेटा राधे, आ गया तूफान? अबे चुप। जज्बातों में रखो काबू, कैसे हो जमाई बाबू? मैं ठीक हूँ सासुमा। आप कब आई? मम्मी अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी। ओ सॉरी सासुमा, वो आपने नैना की साड़ी पहनी है ना, इसलिए गलत फहमी हो गई। फैमिली तो तुम्हारी पहले से ही गलत थी, मैंने नैना से मना किया था, इस राधे श्याम कबाड़ी से शादी मत कर। अरे सासुमा, राधे श्याम कबाड़ी नहीं, राधे श्याम तिवारी। तिवारी आवाज नीचे। एक बात बताओ जमाई बाबू, अगर सभी औरतें नैना जैसी साड़ी पहनने लगे, क्या तुम सभी को बाहों में ले लोगे? काश ऐसा हो जाए। ऐसे काश को लाश बना के दफना दूंगी। है मन की बात पढ़ ली? नहीं नहीं, तुक्का होगा बेटे। राधे श्याम तिवारी, ये भैंस तेरा सारा प्लान बिगाड़ देगी। जमाई बाबू, अगर भैंस ऊपर बैठ गई ना तो गोबर निकाल देती है। हैं? फिर मन की बात पढ़ ली? सासू माँ क्षमा। अरे आप तो अंतर्यामी हैं, भक्त को क्षमा कर दीजिए। चलो मम्मी तुम अंदर चलो, इनकी तो आदत है नौटंकी करने की। ये सासू माँ ने मन की बात कैसे पकड़ ली? ये हुआ कैसे? ये चमत्कार हुआ कैसे? बेटे राधे श्याम तिवारी, ये तेरे अरमानों पे पूरा पानी फेर देगी बुढ़िया। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, कुछ तो करके ही रहूंगा। राधे, अरे ओ राधे, राधे, अरे ओ राधे। अबे आवाज क्यों मार रहा है? लगता है राधे तेरे दिमाग का कोई पेच ढीला हो गया, अगर मैं तुझे आवाज नहीं दूंगा तो तुझे सुनेगा कैसे? अबे मेरा मतलब है धीरे बोल, मेरी सास सुन लेगी। अरे तू अपनी सास से इतना डरे? हंसले बेटा हंसले, अगर मेरी सास ने तुझे घूर के देख लिया ना तो तू बीड़ी की जगह हुक्का बन जाएगा। बाप रे, इतनी खतरनाक है तेरी सास? खतरनाक नहीं, नाक में खतरा पैदा करने वाली है। फिर तो तू अपनी सास को अपने पास ही रख, और ये अपना सामान पकड़ और मुझे 9-2-11 होन दे। वाह बीड़ी, नाम तो तेरा बीड़ी है पर काम तू एकदम सिक्रेट के करता है। और राधे श्याम तिवारी, मेरा नाम मत बिगाड़, नहीं तो मैं तेरा काम बिगाड़ दूंगा। अबे तब मेरा नाम भी राधे श्याम तिवारी है मगर काम भिखारी वाले। अबे मैंने तेरे से दारू की बोतल मंगाई थी और तू ये एसिड की शीशी लाया है। धीरे बोल, नहीं तो बात हवा में फैल जाएगी। क्या मतलब? एसिड के शीशे में शराब भरी है। सच्ची? यकीन ना है तो दिखा, अभी ढक्कन खोल के दोनों शीशी खाली कर देता हूँ। आदमी तू 6 फुटा है और पेट तू 12 फुटा का ले रहा है, फ्री की पीना चाह रहा है? चला जा, 9:30 दे दूंगा तुझे अभी बोतल। पैसे तो दे दे। अबे पहले चेक तो कर लूं, कहीं सही में एसिड निकला तो मेरी जान भी गई और पैसे भी। कर दिया ना भिखारी वाला काम। आज मौसम है रंगीन, जब पैक जाएंगे अंदर 1, 2 और 3। ये क्या है? जमाई बाबू, कौन है दरवाजे पे? कोई नहीं है। ये कैसा आदमी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? भीड़ी तू अब जाए यहाँ से। बेटे राधे, अगर दारू बचानी है तो जल्दी से कोई ड्रामा शुरू कर, नहीं तो ये झमुंडा तेरी दारू की बलि ले लेगा। कौन था ये आदमी? मेरा दोस्त था, और आपका कोई हक नहीं है मेरे दोस्त की हंसी उड़ाना, उसकी लंबाई का मजाक बनाना। तुमने मुझे भैंस खाता वो? बुढ़िया तू है ही भैंस। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू,
आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू। अरे रुको, इस थैले में क्या है? इसमें थैले में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। वो मैंने एसिड की सीसी मंगाई थी बाथरूम साफ करने के लिए। तो अंदर कहाँ ले जा रहा है? फ्रिज में रखने के लिए। फ्रिज में? हे भगवान, इसके भेजे में थोड़ा भेजा तो भेज देता। जमाई बाबू, एसिड की बोतल फ्रिज में कौन रखता है? हम रखते हैं, हमारे खानदान की परंपरा है, तिवारी खानदान के संस्कार है, एसिड की बोतल फ्रिज में रखने के लिए। चुप, बड़ा आया खानदान वाला। बाथरूम उधर है, लाओ मैं सफा कर देती हूँ। पर सासू माँ, देते हो या छीन लूँ? नहीं, मेरा घर है तो सफाई भी मैं करूँगा। अगर मैं सफाई कर दूंगी तो क्या घर मेरा हो जाएगा? बताओ कैसा अजीब जमाई मिला है। क्या इसे पीने का इरादा है? हाँ मैं इसे पीऊंगा, मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। नैना जल्दी आ, देख तेरा पति तेजाब पी रहा है। ये कैसा तेजाब है जो शराब जैसी बदबू आ रही है? महंगा वाला है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा फिर दूसरी भी शीशी दे दो, बढ़िया सफाई हो जाएगी। नहीं नहीं, उसे कल डालेंगे। देते हो या मैं ले लूं? इसे पी के मरना चाहते हो? हाँ हाँ मैं मरना चाहता हूँ। अब पी लो। अरे सारी फेंकी की बुढ़िया, थोड़ी छोड़ दे। किसी दिन तुझे इसी बाथरूम में दफना दूंगा बुढ़िया। तुम्हारी मम्मी ने सारी दारू फिकवा दी मेरी। अच्छा, दोनों बोतलें बाथरूम में डलवा दी? और क्या। ये तो मेरे बाबू का नुकसान हो गया ना। नुकसान हो गया, मूड का कबाड़ा हो गया। घर आते समय क्या क्या अरमान सजाए थे, तुम्हारी मम्मी उन पे बिजली बन के गिर पड़ी बुढ़िया। कोई बात नहीं, मैं अपने बाबू का मूड अब बना देती हूँ। सच? इधर देखो। अरे वाह, तुमने गजरा लगा लिया। लगाते क्यों नहीं, तुम इतने प्यार से जो लाए थे। इससे पहले तुम्हारी मम्मी की नजर इस गजरे पे पड़ जाए, चलो प्यार कर लेते हैं। तो रोका किसने है? किस कर लो? कर लो। नैना आ गई बुढ़िया, ये निमर है। जमाई बाबू, जमाई बाबू। आई मम्मी। किसी दिन ना बुढ़िया को गर्म पानी में डुबा दूंगा। क्या हुआ मम्मी? नैना वहाँ भूत है। कहाँ? आंगन में जहाँ मैं सोई थी। वहाँ कोई भूत नहीं है मम्मी, ये तुम्हारा वहम है। अरे भूतनी होगी, अपनी बहन से मिलने आई होगी। जमाई बाबू, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मजाक हम कर रहे हैं या तू कर रही है? सोने के टाइम पे भूत भूत चिल्लाती हुई आ गई, ये नहीं सोचा चुड़ैलों की तरह चिल्लाती रहेगी तो बच्चे डर जाएंगे। जमाई बाबू। क्या जमाई बाबू, जमाई बाबू कैसे करूं मैं अपने अरमानों पे काबू? मैं कुछ नहीं जानती, मैं आंगन में नहीं सोने वाली। तुम यहाँ सोगी तो हम कहाँ सोएंगे? मैं तो नैना के पास सोऊंगी। चल बेटा अंदर चल। मेरे बाबू नहीं हो, तुम बाहर आंगन में सो जाओ ना। तुझे तो मैं एक दिन गंगा जी में सिरा के आऊंगा बुढ़िया। आओ मम्मी। आराम करो आप। तेरी सुंदरता ने देख यार तेरा।
मेरा पागल सा हो गया तेरी सुंदरता ने। अबे सालो मुझे सो जान दो, अगर नींद उड़ानी है तो अंदर जाके मेरी सास की नींद उड़ाओ, उस भैंस को काट काट के परेशान करो। जमाई बाबू तुमने फिर मुझे भैंस कहा? हाँ कहा, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, भैंस है तू भैंस बुढ़िया। जमाई बाबू। सासू माँ तुम भैंस नहीं, भैंसों का तबेला हो, मेरी जिंदगी में दुखों का झमेला हो। अब पकड़ मन की बात, लगता है चले गए टावर, मन की बात पकड़ती है, लगता है सो गई। अबे सालो पूरे दिन तो सास ने खून पिया है, अब तुम भी आके पी लो, छोड़ मत दियो मुझे। अरे मर जाओ परे को। आज इस बुढ़िया का काम तमाम कर ही देता हूं। इससे तो बच जाएगी बुढ़िया। हाँ ये ठीक है, आज नहीं छोड़ूंगा इस बुढ़िया को मैं। प्लीज बाबू आज रात की बात है, सो जाओ ना बाहर आंगन में जाके। बुढ़िया सो कैसे रही है, लगता है पिछले जन्म में कुंभकर्ण की बहन थी। जमाई बाबू मैं कुंभकर्ण की बहन नहीं हूँ। फिर मन की बात पकड़ ली, अरे के करूँ मैं। क्या करूँ मैं। सासू माँ मेरे अरमानों पे पानी बहाने वाली आज बारी मेरी है, अब देख राधे श्याम तिवारी की शैतानी खोपड़ी की खुरापात। हाँ? ये लो जी। ये सब क्या है जमाई बाबू? अरे आप हमारी मेहमान है सासू माँ, इसलिए मैंने सुबह सुबह उठ के प्रण लिया है। प्रण लिया है? क्यों लिया है किसी से? मुझे प्रण पसंद नहीं है, जाओ जाके वापस करके आओ। प्रण का मतलब सासू माँ प्रतिज्ञा लिए मैंने, इसलिए तन मन से आपके लिए नाश्ता बना के लाया हूँ मैं। अरे वाह, आंगन में सोने से सद्बुद्धि आ गई। नैना जमाई बाबू को रोज आंगन में सुलाया कर, बुद्धि का भंडार इकट्ठा हो जाएगा। ज्यादा बुद्धि भी ठीक नहीं है। ये जूस के गिलास में लाल लाल क्या है जमाई बाबू? अरे ये लाल लाल मैंने इसमें केसर मिलाया है सासू माँ। केसर? हाँ केसर, देखो ना आप कितनी कमजोर हो रही हो, और अच्छा हुआ रात आप कमरे में सोई, अगर आंगन में सोती ना तो मच्छर ले जाते ठाके आपको। सासू माँ से मजाक करते हो जमाई बाबू, लेकिन घर में तो केसर खत्म हो गया था। हाँ हाँ मैं कल आया था तुम्हें बताना भूल गया था। अरे मैं नहाकर पूजा करके तब नाश्ता करूंगी। कर ले बुढ़िया पूजा, भगवान बचाने की नहीं तुझे। सासू माँ अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा जब जूस पीकर आपके कानों से धुआं निकलेगा, क्योंकि मैंने जूस में केसर नहीं 2 चम्मच पाउडर लाल मिर्च मिलाई है। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बस ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ, तुम वो मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे कहीं जाना है। अब आएगा मजा। अरे नैना ये सासू माँ अचानक कैसे चली आई? कल से ये सवाल अब तुम्हारे दिमाग में आया है? अरे क्या करूँ यार, सासू माँ ने मेरे हर अरमान की माँ बहनी कर दी, इसलिए दिमाग की बत्ती बुझ गई थी, इसलिए बूझ नहीं पाया। वो मम्मी माता के दर्शन करने जा रही थी, उनके पास 5 लाख रुपए रखे थे तो वो उन्हें हमें देने चली आई। 5 लाख रुपए देनी है? हाँ तो मैं झूठ बोलूंगी क्या? बेटे राधे कहीं सासू माँ ने जूस पी लिया तो 5 लाख गए, भाग ले बेटे राधे। राधे कहाँ चले? पता नहीं राधे को क्या हो जाता है।
जमाई बाबू ने नाश्ता तो अच्छा बनाया है, मैं जूस चेक करके देखती हूँ। अरे रुक जाओ सासू माँ। अब क्या हुआ? ये जूस आप नहीं पियेंगी। अब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये जूस मेरे लिए है, अब मैं जूस ना पीऊँ? अगर ये जूस तू पी लेगी तो 5 लाख नहीं देने की मुझे। नैना क्या तेरा पति रोज ऐसे ही ड्रामे करता है? राधे बात क्या है? सासू माँ ये जूस नहीं पियेंगी, तुम सासू माँ के लिए दूसरा जूस बना लाओ। ऐसा इसमें क्या है? अरे इसमें केसर है, तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है वो। नहीं मैं तो पीऊंगी। अरे ऐसे कैसे पियोगी? अरे इधर लाओ। राधे तुम ठीक हो? अरे जमाई बाबू। राधे अबे मिर्ची लग गई। अरे कहाँ भागे जा रहे हो, कुछ तो बताओ। राधे अबे पानी दे दो यार कोई। राधे अबे मिर्ची लग गई। राधे रुको। अरे जमाई बाबू क्या हुआ? बुढ़िया मिर्ची लग रही है बहुत तेज की। अबे कोई पानी लो। सुनो तो सही राधे। अबे मिर्ची लग रही है। अबे मिर्ची लग रही है, कोई तो पानी दे दो यार। राधे अबे इसमें भी कुछ नहीं है। अरे कोई मुझे मेरी सास से बचाओ। हाय हाय जलन के मारे गला फटा जा रहा है। अरे मर गया। तुमसे किसने कहा था जूस में मिर्च मिलाओ? अरे मुझे अपनी सास से बदला लेना था, उसने मेरी शराब खराब कर दी के चक्कर में मुझे सारी रात बाहर मच्छरों में सोना पड़ा। हाय मर गया। जब जूस में मिर्च मिला ही दी थी तो तुमने खुद क्यों पिया? 5 लाख रुपए के लालच में। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ये लो मैंने दूध में घी मिलाया है, इसे पीकर तुम्हारे गले को आराम मिलेगा। इससे कुछ फायदा भी होगा? पियो तो सही। कैसा लग रहा है? हाँ अब थोड़ा आराम सा लगा। सारा पी जाओ। अब देखना तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, मगर फिर कभी ऐसी शरारत मत करना। सासू माँ से दोबारा पंगा? ना बाबा ना, दोबारा लेने बस की नहीं है मेरी। गुड बाय। नैना सुनो। अब क्या हुआ? वो 5 लाख रुपए कहाँ हैं? 5 लाख रुपए? अच्छा अच्छा मम्मी वाले 5 लाख रुपए? हाँ हाँ कहाँ हैं? वो तो मम्मी को वापस दे दिए। हाँ उनके पैसे थे उन्होंने ले लिए। हाय क्या हुआ दोबारा दर्द होने लगा? 5 लाख रुपए जाने का। राधे लालच बुरी बला है। मन तो ऐसा कर रहा है ऐसी सास को पेट में जाके भेजो। राधे वो मेरी मम्मी है। अरे इसी बात का ही तो रोना है। कैसे हो जमाई बाबू? ठीक है आपकी बला से। हाँ? बला से नहीं दुआओं से। मम्मी मैंने दूध में घी मिला दिया है। दूध में मिर्ची भी मिला देती क्यों जमाई बाबू? सासू माँ। जमाई बाबू जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना उसमें खुद गिर जाते हैं। अब दिमाग की खुरापाती को सोने दो और आराम करो, चल लेना। अब आराम मेरे लिए हराम है, अब मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा तेरे तक 5 लाख रुपए निकलवाने के लिए, और अगर नहीं निकाले ना कुमार का मर्डर कर दूंगा। राधे ये तो तेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात हो गई। सही बोला। तेरी सास तुझ पे खूब सितम ढावे और तू फिर भी जिंदा है। तो तू क्या चाह रहा है मैं मर जाऊं? मर के जंग नहीं जीती जाती, बदला ले बदला। अबे इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ, कोई धांसू सा आइडिया बता ताकि मेरी सासू माँ के 5 लाख रुपए मेरे हो जाए। मुझे क्या मिलेगा? बोल बोल मुझे क्या मिलेगा? तू साले एक नंबर का कहीं आदमी है। वो तो मैं हूँ। अबे 1-2 हजार रुपए ले लियो। अरे ओ राधे श्याम भिखारी। अबे ओए तू मेरा नाम मत ना बिगाड़े कर। और तू जो मेरा नाम बिगाड़ता है? आइडिया देता हो तो दे ना तो फिर मैं चलूं। 50 हजार रुपए लूंगा 50 हजार। बोल। हाँ साले बीड़ी खुद को फन्ने कहाँ समझ रहा है, एक बार काम हो जाए
फिर तुझे दूंगा ठेंगा। चल ठीक है, 50,000 रुपए तेरे हुए। तू वाकई दिल वाला है यार। अब मक्खन मत लगा, आइडिया बता। आइडिया ऐसा करते हैं, तेरी सास का किडनैप करवा लेते हैं। अबे सुसरी के, आइडिया दे रहा है, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। अबे अब क्या हुआ? अबे अगर मैं अपनी सास का किडनैप करवा लूंगा तो पैसे कौन तेरी बुआ देगी? अरे ये तो मैंने सोचा नहीं। ऐसा करते हैं, तेरी सास के हाथ पैर तोड़वा देते हैं। उससे फायदा? टूटे हाथ पैरों के लिए तो उसे मरहम पट्टी के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर चोट गहरी लग गई और सारे पैसे मलहम पट्टी में ही लग गए तो मेरे हाथ क्या आएगा? झुंझुना। फिर कुछ और सोचते हैं। ओ बीड़ी महाराज, तू मुझे माफ कर और अपने आईडिया की बीड़ी यही सुलगाता रहे, मैं खुद सोच लूंगा कोई आईडिया। अरे सुन तो। अरे हट परेगू। बहुत बड़ी नौटंकी है ये राधे, आईडिया भी ले गया और 50,000 भी डकार गया। रंगा बिल्ला तुम दोनों यहाँ? जहाँ नंबर दो का काम होता है ना, वहाँ रंगा बिल्ला पहुँच ही जाते हैं। अब ये बता, उस भिखारी से 50,000 रुपए किस बात के मांग रहा था? अब बोलता है या तेरी बोलती, हमेशा के लिए बंद कर तू। अच्छा तो ये मामला 5,00,000 का है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं बुढ़िया से 5,00,000 झपट लेते हैं। जाओ मेरी सुसरी के जाओ, राधे की सास तुम्हें 5,00,000 नहीं, तुम्हें 5,00,000 लात घुसे देगी। जब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी, बहुत परेशान कर रखा है तुमने मुझे। मम्मी मैंने घर का सारा काम कर दिया है। बहुत अच्छी बात है बेटा, आराम कर ले। नहीं मम्मी, पड़ोस में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, मैं वहीं जा रही हूँ। बिल्कुल जा बेटी, भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। तुम घर का ध्यान रखना मम्मी। तुझसे अच्छा ही रखूंगी। जानती हूँ। किसकी मजाल, जो मेरे रहते हुए घर में कुछ है, सोसरे की टांगे नहीं तोड़ दूंगी। अंदर क्या बढ़ते जा रहा है? माता दक्षिणा दे। भला दिखता है भगवान ने हाथ पैर ठीक ठाक दे रखे, मेहनत करके खा। यू मेहनत का काम नहीं है, चलो मेरे साथ, अभी पता लग जाएगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे छोड़ सत्यानाशी, अपने साथ मुझे भी शामिल करना चाहता है, तुझे शर्म नहीं आती? मुझे पता है तू ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। है मुझे बुढ़िया कहता है? ठहर जा, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। क्यों निकल गई ना हेकड़ी? चक्कू देखते ही तेरे अंदर का शाहरुख खान जाग गया। अब ड्रामा बंद कर बुढ़िया और जल्दी बता पैसे कहाँ हैं। बाबा तुम्हारा क्लिक कहीं गलत जगह दब गया है, मेरा जमाई तो एक नंबर का कंगाल है, तुम अपनी तहकीकात कहीं और करो। ओ माता जी कुछ तो शर्म करो, जिसकी रोटी खाती हो उसी को ही कंगाल बता रही हो। मेरा जमाई, मैं कुछ भी कहूँ, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? हमें मिर्ची नहीं लग रही, हमें 5 मिनट लगेंगे 5,00,000 रुपए निकलवाने के लिए। तूने फिर 5,00,000 का पहाड़ा पड़ा, भाग यहाँ से, कोई 5,00,000 रुपए नहीं है यहाँ। ये आइडिया भी फेल हो गया बेटा राधे, अब लगता है सांप वाला ही आइडिया आजमाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, बुढ़िया के पेट में चक्कू घोंपी देता हूँ। ओ बुढ़िया तू 5,00,000 रुपए देगी या घोंप दूँ? नहीं 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 मैं मरना नहीं चाहती। हमें पता कोई मरना नहीं चाहता, तू चुपचाप 5,00,000 रुपए दे और हम अपना ये चाकू लेके यहाँ से जाए। लेके आती हूँ। चाकू बड़ा खतरनाक है, देखते ही बुढ़िया के अंदर का शाहरुख खान जाग गया सोता सोता। ओए अबे क्या कर रही है? ओए अबे लग रही है, अरे अरे बुढ़िया क्या कर रही है? ये ले 5,00,000 रुपए ले। अब मार रही है, देती हूँ तुझे। अरे अरे लग रही है, अरे बुढ़िया बाबा को झाड़ू मार रही है, शर्म नहीं आ रही है? अरे बुढ़िया, अरे बाबा श्राप दे देंगे तुझे, भस्म कर देंगे, मान जा बता रहा हूँ। अरे रुक जा, अरे मेरी माँ रुक जा, डोल मारवा फेंक के। अरे बाबा को मार रही है, श्राप चढ़ेगा बुढ़िया। अरे दक्षिणा देने की जगह झाड़ू दे रही है, अरे थम जा। अरे अरे लग रही है, देख कितनी झाड़ू मारेगी, एक झाड़ू में कई झाड़ू बना डाली तुमने तो। और दो 5,00,000
काटू चेक। बाबा नहीं आने का, बाबा आने का ही नहीं। बाबा हरिद्वार से भी आगे निकल जाएगा, हो सके हिमालय भी चला जाए। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए 5 लाख रुपए। माते तुम इस घर पे सालों साल राज करो, बाबा चले हरिद्वार। हलाक निरंजन। ये बाबा था या बावड़ा? नैना क्या तेरा पति रोज ऐसी ड्रामा करता है? राधे बात क्या है? अरे इसमें केसर मिला है, सासू माँ के लिए हानिकारक है। मैं तो पीऊंगी। एक्शन। तुम उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। चलो चलो एक्शन। पहला हंस लो पानी में, पहला हंसो। शक्ल देखने की वजह से हो रहा है ना, देख मत। अब मेरी शक्ल इतनी फनी हो रही है? सर पहले तुम्हारी मम्मी की नजर इस गजरे पे पड़ जाए ना, प्यार कर लो। सर रुका किस किस कर लू? कर लो। अभी बुढ़िया, अभी बुढ़िया यूं नहीं मरा है। आजा तुझे ही कूटू वहां पहले। एक्शन। तुम्हारा दिल कल जी डर गया, तुम अपनी गलती कर कहीं और करो। ओ माता जी थोड़ी तो शर्म करो, मैं भी बुढ़ा हो रहा हूँ, डायलॉग तो रख दो। और चलिए फास्टर कि काटू चेक। ना मैं तो आने नहीं दी, मैं बाबा की धोती खुल गई। ओके बाबा राम कुमार मुंडिया।